कमला हॉरर स्टोरी। ये कहानी करीब 40 साल पुरानी है। 1980s में 23 साल की कमला की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन उसके पिता अचानक कहीं गायब हो गए। उसने अपने पिता को बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिले। कमला की माँ की मौत पहले ही हो चुकी थी और वो अपने पिता के लापता होने के बाद बहुत ज्यादा अकेली पड़ गई थी। जब कई कोशिशों के बाद भी उसके पिता नहीं मिले तो सबने उन्हें ढूंढना ही छोड़ दिया और हार मान ली। इतनी टेंशन के बीच कमला का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए कमला के चाचा चाची ने उसकी शादी प्रभाकर परिवार के बड़े बेटे अजीत से कर दी, ताकि कमला का ध्यान रखने के लिए हमेशा कोई हो। अजीत ने कमला को उसके मुश्किल समय में संभाला और वो थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी। कमला अपने नए घर में अपनी नई जिंदगी से एडजस्ट करना सीख रही थी और धीरे धीरे खुश होने भी लगी थी। सारा परिवार उसे बहुत प्यार देता था और उसका ख्याल भी रखता था, खासकर उसका देवर राजेश। पर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। एक दिन जब कमला सो रही थी तो उसकी अचानक किसी के रोने की आवाज से नींद खुल गई। उसने अपने बगल में देखा तो अजीत अभी भी सो रहा था और कमरे में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। उसे वो आवाज फिर से आई लेकिन अभी भी उसे कोई नहीं दिख रहा था। उसने इसे अपना वहम समझा और चुपचाप वापस सो गई। लेकिन उस दिन के बाद से उसे लगभग हर वक्त वो रोने की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। उसे ऐसा लगने लगा था कि ये आवाजें शायद उसके पिता की हैं, जो दर्द में चीख रहे हैं और उससे मदद मांग रहे हैं। कमला अब घबरा चुकी थी और उसने ये बात अजीत और रजनीश को बताई। दोनों ने ये उसका वहम समझा और उसे कहा कि शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने पिता को बहुत मिस कर रही है। धीरे धीरे कमला की तबीयत भी खराब रहने लगी। उसे हर वक्त गुस्सा आने लगा था। वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती थी और अगर उसे कोई किसी भी चीज के लिए मना करता तो वो उसको जान से मारकर खाने की धमकी देने लगी थी। सबको लगा कि अपने पिता के खोने का दुख उसके दिमाग पर हावी हो रहा था, लेकिन इस सब के बीच कमला को वो आवाजें अभी भी आ रही थीं। एक दिन वो आवाज कमला को हवेली के एक पुराने कमरे से आ रही थी। वो जब उस कमरे में गई तो उसे वहां एक काली मूर्ति मिली। उस मूर्ति को देखते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ उसे बेहद अजीब सा लगने लगा। उसे घुटन महसूस होने लगी और उसे सांस लेने में अचानक बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। कमला ने घबरा कर उस मूर्ति को वापस नीचे रख दिया। कमला को डर लग रहा था और वो कमरे से बाहर ही जा रही थी कि उसके पैर में कुछ भारी सी चीज आकर लगी। जब कमला ने ध्यान से देखा, दोस्त मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियाँ देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। एक स्कल उसके पैरों में पड़ा था। तब कमला को देखा कि उस कमरे में कुछ और भी चीजें पड़ी हैं। उस कमरे में ढेर सारी इंसानी हड्डियां इधर उधर पड़ी थीं और हर जगह खून ही खून था। वो जब उस कमरे को और ध्यान से देखने लगी तो वहां उसे एक खत मिला। उसने खत उठाया और उसे पढ़ने लगी। खत में लिखा था कि वो मूर्ति श्रापित है और इसने उनके पुरखों को भी परेशान किया है। ये सब पढ़ते ही कमला को अपने पिता की चीख सुनाई दी और वो मूर्ति अपने आप जोरों से हिलने लगी। कमला को एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा जिसके बाद वो एकदम से बेहोश हो गई। कमला ने जब अपनी आंखें खोली तो वो अपने कमरे में ही थी और सब परिवार वालों ने उसे घेर रखा था। कमला उन्हें सब कुछ बताने लगी लेकिन सबने उसको बताया कि उन्हें वो घर के ड्राइंग रूम में बेहोश पड़ी मिली थी और शायद ये उसका कोई बुरा सपना था। उन्होंने कमला को दवाई दी और उसे सुला दिया, पर उस रात
कमला हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। अजीत बाकी रातों की तरह डिनर के बाद वॉक करके कमरे में आया तो उसने देखा कि कमला बिस्तर पर नहीं बल्कि कमरे के एक अंधेरे कोने में दीवार की तरफ मुंह करके जोर जोर से हंस रही है। उसने कमला का नाम चिल्लाया। कमला उसकी तरफ मुड़कर रोते हुए मदद मांगते हुए उससे कहने लगी, मैं निर्दोष हूं, मुझे बचा लो। कमला को इस हालत में देखकर अजीत टूट गया और वो उसे गले लगाकर शांत करने लगा। इसी तरह उसने कमला को शांत करके बिस्तर पर लेटा दिया और वो रात जैसे तैसे बीत गई। पर अगले दिन कमला की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। अगर कोई भी उसका नाम लेता तो वो उसकी तरफ मुड़कर उसे जान से मारने की धमकी देती। कमला की शक्ल भी अब बदलने लगी थी। धीरे धीरे उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा था, आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे और वो पागलों की तरह बिहेव करने लगी थी। सारा प्रभाकर परिवार कमला को इस हालत में देखकर बहुत परेशान था क्योंकि कमला ने रात को पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया था। कमला पूरा दिन बस रोती और हंसती रहती। प्रभाकर परिवार को लगा कि कमला पागल हो चुकी है, लेकिन उससे पहले वो कुछ कर पाते उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। एक दिन शाम को कमला के ससुर अपने रूम में बैठकर चाय पी रहे थे जब उन्हें एकदम से अपनी पीठ पर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनकी पीठ में कोई नुकीली चीज घुसा दी। उन्होंने दर्द में जब मुड़कर देखा तो कमला वहां खड़ी पागलों की तरह हंस रही थी। कमला के हाथों के नाखून कमला के ससुर की पीठ के अंदर थे। कमला के ससुर ने जोर से चिल्लाया और सब कमला को कंट्रोल करके अंदर ले गए और उसे उसके कमरे में ले जाकर उसे बेड से बांध दिया। लेकिन देर रात अजीत ने देखा कि कमला बिस्तर में थी ही नहीं। उसने बाहर जाकर देखा तो कमला भागती हुई उसके ससुर के कमरे में घुस गई। अजीत कमला को पुकारता हुआ उनके कमरे में घुसा, पर इससे पहले वो कुछ कर पाता कमला ने अपने ससुर को पकड़ लिया और बिना कुछ सोचे समझे उन्हें जानवरों की तरह मार कर उनके शरीर का मांस नोचने लगी और फिर उसे खाने लगी। पूरा घर चीखों और डर से गूंज उठा, लेकिन कोई भी कमला को रोक नहीं पा रहा था। अजीत और उसकी मां ने कमला को उनके पिता की लाश के साथ लॉक कर दिया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और अंदर कमला पागलों की तरह चिल्लाई जा रही थी। वो जोर जोर से चीख कर कह रही थी कि मैं सबको खा जाऊंगी। अजीत की मां को समझ आ गया था कि कमला पर किसी का काला साया पड़ गया है या वो खुद एक चुड़ैल बन चुकी है जिसे रोक पाना अब शायद असंभव हो गया है। उस रात उनकी मां अपने दोनों बेटों को लेकर उस हवेली से निकल गई और अपने एक रिश्तेदार के घर चली गई। जब वो अपने रिश्तेदार के घर पहुंचे तो अजीत की मां ने उसे बताया कि कमला के साथ जो हो रहा है वो कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि काला जादू है जो उनके घर के एक पूर्वज करते करते मर गए। उन्होंने अजीत को बताया कि उनके घर में एक शैतानी मूर्ति है जो शापित है और उसी शैतान का साया शायद कमला पर आ गया है, पर अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। कुछ समय बाद उस हवेली से चार डेड बॉडीज मिली। अजीत, अजीत के दोनों पेरेंट्स और कमला सबकी डेड बॉडीज को वहां से ले जाया गया। राजेश उस दिन के बाद कहीं गायब हो गया। लोग कहते हैं कि आज भी उस हवेली में कमला की आत्मा भटकती है और वो किसी को नहीं बख्शती, और अगर कोई भी उस हवेली में गया तो वो उसकी जान ले लेगी और इसीलिए आज तक वो हवेली वीरान पड़ी है।